नहीं तो के जब पास आपको नहीं उनका है, पता है उन्होंने इन्होंने इजाजत नहीं इन्होंने देनी, तो फिर क्या चाह क्या रहे हैं आप लोग? अच्छा अगर इजाजत ना दें तो आप यानी कि आप ये कह रही हैं कि इस नहीं, आपने दुकान ऑलरेडी में, पता है कि इन्होंने इजाजत नहीं ना देनी। सुने सुने सुने, इसका मतलब ये हुआ फिजा कि पंजाब में मार्शल लॉ है, कर्फ्यू है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है। मरियम सफदर जो सिर्फ अपने टिकटॉक्स बना सकती हैं, यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान जलसा कर सकते हैं, इस्लामाबाद में तहरीके लबैक आ सकती है, जमात इस्लामी आ सकती है, उनके साथ आपने वैसे पुलिस वाले टिकटॉक की बात सैनिक की, अली। कल फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान, उन्होंने कहा मैं अभी भी इमरान खान को ही प्रेजेंट करने बैठा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहीं पे बैठे हुए थे इस्लामाबाद स्टूडियो में। तो कल उन्होंने ये कहा कि जो अच्छे लोग थे या काम के लोग थे वो पीछे करके, बाकायदा पीटीआई में जो टिकटॉकर्स थे और कुछ ऐसे वकला भी सामने आ गया, सब वकला को उन्होंने नहीं कहा कि जिन्होंने पार्टी में बाकायदा पार्टी को ऑक्यूपाई कर लिया टिकटॉकर्स के हवाले से, कि पीटीआई ने भी ऑक्यूपाई कर लिया। ये फवाद चौधरी साहब की राय अच्छा है पीटीआई के मेरे ख्याल बारे में में। ये इस सवाल का तो मैं जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि हमें मौजू पे आना चाहिए, ये अगर हम अब सर आपकी बारी इरेलीवेंट आई तो आपने हो, कहा मौजू पे टिकटॉक आ जाए ना। देखिए किसी सुन को तो भी ले, टिकटॉक अगर टिकटॉक हम कहना टिकटॉकर्स हो, नहीं, मुझे पता अगर है सुने मरियम नवाज ना, साहिबा, अगर देखिए मैं ये नहीं कि वो खातून है, बतौर वजीरे आला बड़ी एक्टिव हैं, बड़ा इंथुजियाज्म के साथ काम कर रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।